पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस के संयुक्त राष्ट्र के नए सेक्रेटरी जनरल बनने की राह आसान हो गई है। कूटनयिकों के मुताबिक बुधवार को छठे गुप्त मतदान के दौरान संयुक्त राष्ट्र के वीटो पावर वाले सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्य में से किसी ने भी उनके खिलाफ मतदान नहीं किया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद के सभी 10 प्रत्याशियों ने एनकरेज करने वाला, डिस्करेज करने वाला और नो ओपिनियन विकल्पों के आधार पर अपना गुप्त मतदान किया। गुटेरेस को 13 वोट एनकरेज करने वाले और 2 वोट नो आइडिया ऑप्शन पर मिले। इसकी घोषणा करते हुए रूस के संयुक्त राष्ट्र में अम्बेसडर विटाली चरकिन ने कहा, आज छठे मतदान के बाद हमारी स्पष्ट पसंद सामने आई है और उनका नाम एंटोनियो गुटेरेस है। हमने कल सुबह 10 बजे औपचारिक मतदान का निर्णय किया है और हमें आशा है कि ये बेहद उत्साह के माहौल में संपन्न होगा। जब उन्होंने ये बयान दिया तब उनके साथ परिषद के 14 सदस्य खड़े थे। Today, after our sixth straw poll, we have a clear favorite, and his name is Antonio Guterres. And we have decided to go for a formal vote tomorrow morning at 10 o'clock. And we hope it can be done by acclamation. This is what we are looking at. So tomorrow morning, acclamation vote, and wish Mr. Guterres well in discharging his duties as the Secretary General of the United Nations for the next 5 years. Thank you. गौरतलब है कि चरकिन फिलहाल परिषद के अध्यक्ष हैं। गुटेरेस को हालांकि 193 सदस्यीय जनरल असेंबली के चुनाव की औपचारिक अनुशंसा के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पेश किए जाने की जरूरत है। इस प्रस्ताव को पास होने के लिए पक्ष में कम से कम 9 वोट और विरोध में कोई भी वीटो नहीं होना चाहिए।